हेलो दोस्तों, मेरा एक तो सवाल है, कितने प्रतिशत बार थे KGF चैप्टर 3 के लिए एक्साइटेड हो? क्योंकि KGF चैप्टर 3 नामक तूफान बहुत जल्द आ रहा है एंड बी रेडी फॉर टू विटनेस द फोर्स ऑफ KGF सीरीज, जिसके आगे सारे रिकॉर्ड्स फिर से टूटेंगे। वैसे ये न्यूज बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा है, जिसे हम आप लोगों के लिए लाए हैं। सो विदाउट स्पेंडिंग मच मोर टाइम, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अभी तक KGF सीरीज में KGF चैप्टर 1 एंड KGF चैप्टर 2 का नाम पूरे दुनिया भरों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, और ये दोनों ऐसे फिल्म है जो हिंदी भाषा समेत सभी भाषाओं में बॉक्स ऑफिस में नए झंडे गा रहे थे। और इसका पूरा श्रेय जाता है मूवी के अनसीन एक्शन सीन्स और बेहतरीन डायरेक्शन और एक्टिंग को। और इसी वजह से सभी KGF फैंस एंड मूवी लवर्स KGF चैप्टर 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मुझे माफ करना शुरुआत में आप लोगों को इस तरह का सिली क्वेश्चन पूछने के लिए। वैसे KGF सीरीज का प्रोडक्शन हाउस है होमबाले फिल्म्स, जिन्होंने हम लोगों का अनसर्टेनिटी से भरा इंतजार अगेंस्ट KGF चैप्टर 3 को खत्म कर दिए हैं। हाँ भाई, हाँ, जो आप लोग सुन रहे हो बिल्कुल सही है। वैसे KGF चैप्टर 3 टीम मेंबर्स का कहना यह है कि अगले साल पूरा मूवी तैयार है टू गो इनटू द फ्लोर, और ये मूवी पिछले दो मूवियों से बहुत बड़ा होने वाला है बजट के मामले में और मूवी के स्टोरी एंड एक्शन सीन के मामले में। और टीम मेंबर का कहना यह भी है कि मूवी का प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है और बहुत जोरों से चल रहा है, जिसके मुताबिक मूवी का शूटिंग अगले साल से शुरू होने वाला है, जस्ट आफ्टर रिलीज ऑफ सलार मूवी एट देयर शेड्यूल टाइम। अगर सब कुछ सही हुआ ना, मूवी दिसंबर 2025 तक रिलीज भी हो जाएगी और ब्लॉकबस्टर भी साबित होगी। वैसे सलार की बात हमने छेड़ ही दिया है, तो हम आप लोगों को यह बता देते हैं कि आज सुबह हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था कि सलार मूवी का एक्चुअल रिलीज डेट होमवाले फिल्म्स अनाउंस करेंगे आज सुबह 10:30 बजे। फिर उसके बाद हमने जो सुना, ऊपर से आसमान नीचे से जमीन खिसक गए, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सलार मूवी बंकी के साथ क्लास करेगा। और इस न्यूज के ऊपर भी हमने पहले से ही वीडियो बना चुके हैं हमारे चैनल पर, आप चाहो तो यू कैन वॉच बाय विजिटिंग अवर चैनल। अब देखना है दिसंबर 22 को क्या होता है, क्या डंकी अपना डंका बजाते बजाते बॉक्स ऑफिस में डंकी के चोट के साथ नए रिकॉर्ड बना पाता है या नहीं, या फिर उसी डोंकी फ्लाइट में सलार को बैठना पड़ेगा। चलो अच्छा है हमारे लिए, एक ही दिन में हमको डबल एंटरटेनमेंट मिलेगा। वैसे इसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, गुड बाय।